वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारी वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं ड्रैगन पेनिस लीव इस्तेमाल करने के 3 ऐसे टिप्स। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो इसका आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है और भी ज्यादा मजेदार बनेगी, प्लस आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी दूर होंगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है वे 3 टिप्स, तो इस वीडियो को फुल वॉच करें बिना स्किप किए। एंड हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के थ्रू देख रहे हैं, तो भी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि वहां पर भी आप और हम ऐसे ही मिलते रहें और ये सिलसिला जारी रहे। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बताती हूँ ड्रैगन पेनिस लीव होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा ड्रैगन पेनिस लीव बहुत ज्यादा फेमस है, और जिनको नहीं पता, जो कि नए हैं इस फील्ड में, उनके लिए मैं आपको सबसे पहले इसको दिखाना चाहूंगी। तो ये देखिए, चलिए इसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये है ड्रैगन पेनिस लीव। इसका कलर अगर हम इसकी बात करें, स्किन होता है बिल्कुल जैसे कि ओरिजिनल पेनिस का होता ही है, स्किन कलर इसमें आपको मिल जाता है, बट इसमें 2 से 3 कलर और आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, इसको यूज करने की 3 टिप्स। देखिए गाइस, सबसे पहले तो अगर आप ड्रैगन पेनिस लीव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये ख्याल रखना है कि ये डबल लॉक वाला होता है, मींस कि इसमें डबल होल आपको दिए जाते हैं, एक सामने और एक पीछे की तरफ। तो अगर ऐसे में आप ऑयल को स्किप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको इसमें ऑयल की। तो बिना ऑयल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजीली इसका पहन सकते हैं, बट अगर आप ऑयल को लगाकर पहनते हैं तो भी ये सही रहता है, ओके रहता है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइस, जो एक कॉर्नम आता है अलग, डबल होल नहीं मिलते हैं, तो आपको उसमें ऑयल को स्किप करना है। टिप्स नंबर 2, जब भी आप इस ड्रैगन पेनिस लीव को पहने, तो ये खास ख्याल रखें कि आपके पेनिस में फुल इरेक्शन होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि अगर आप हाफ इरेक्शन में ही, आधे अधूरे इरेक्शन में ही इसको जबरदस्ती चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो ये इसी वजह से कटता पड़ता है। तो आपको ख्याल रखना है कि आप बिल्कुल फुल इरेक्शन में आने के बाद ही, इंटरकोर्स करने से ठीक पहले ही इसका आप इस्तेमाल करें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स जो है, जब आप इसका यूज करते हैं, तो कुछ लोग काफी इसके साथ खींचातानी करते हैं, ऐसा नहीं करना है गाइस। इसको आप फोल्ड करके पहने, देखिए फोल्ड करने से भी बहुत इजीली आप पेनिस को अंदर डाल सकते हैं। एंड इसको ना आपको फेंकना नहीं है, इसको हम निकलने के बाद इसको क्लीन एंड वॉश करके रखें। इसके लिए आप डेटॉल वाटर ले सकते हैं, या तो आप नॉर्मल जो है गर्म पानी के साथ भी इसको वॉश करके रख सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आपके लिए काफी हेल्पफुल भी रही होगी। अगर आप चाहते हैं हर रोज एक ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले और आसानी से पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एंड अपनी कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम मुझसे कंसल्ट करने के लिए स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट